नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जी कैसे पर। मित्रों, हम मनुष्य हैं और मनुष्य के दैनिक जीवन में, मनुष्य के जीवों के सभी के जीवन, कभी चोट वगैरह लगती रहती है, थोड़ी बहुत कहीं से कुछ लग गया, इस तरीके से होता ही रहता है। मगर ये सामान्य मनुष्य के होता है तो नहीं पता लगता। जब किसी डायबिटीज यानी मधुमेह के रोगी के जब ऐसे चोट लग जाती है तो उसके घाव बड़ी देर में भरते हैं। ऐसा दोस्तों क्यों होता है कि मधुमेह से ग्रसित या डायबिटीज से ग्रसित लोगों के घाव देर से भरते हैं, ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो तो उनके पैरों में ही होती है, क्योंकि होता क्या है कि पैरों में जैसे अगर चोट लग गई डायबिटीज का, बड़ा पहले आप इसको समझिए, डायबिटीज का क्या होता है। हमारे शरीर में एक होता है इंसुलिन। इंसुलिन हमारे शरीर को इजाजत देता है कि जो हमारे खून में शर्करा की मात्रा है, जो चीनी या ग्लूकोज की मात्रा है, उसे इस्तेमाल करे ऊर्जा के रूप में। जब इंसुलिन ठीक से काम नहीं करता, हार्मोन होता है, तो क्या होता है, फिर हमारे शरीर में बढ़ने लगते हैं ग्लूकोज की मात्रा, रक्त में बढ़ने लगती है, और बेचारे श्वेत रक्त कण जो होते हैं, समझिए 1/1000 लीटर, 1 माइक्रोलीटर कहते हैं इसे, 1/1000 लीटर में 4000 से लेकर और करीब 11000 तक श्वेत रक्त कण हो सकते हैं। निर्भर करता है व्यक्ति व्यक्ति पर, निर्भर करता है। ये दोस्तों क्या करते हैं, ये 3 इनके पास सैनिक होते हैं। एक तो होते हैं ग्रैन्युलोसाइट साइट, ये हो गया। एक होता है लिम्फोसाइट, और एक होता है दोस्तों तीसरा जो होता है मोनोसाइट। ये तीनों सैनिक समझिए आप, ये इनके साथ मिलके काम करते हैं। और जो हमारे शरीर में कोई बीमारी या वायरस या बाहर से कोई परजीवी आते हैं, उनसे ही अपना लड़ाई लड़ने का काम शुरू करते हैं। इनमें भी जो फ्रंट का एक सैनिक होते हैं, इनका एक अवयव इस खून का होता है पीएमएन, जो सबसे पहली रो में सबसे पहले जो रोकता है, लड़ाई लड़ता है, वो पीएमएन होता है। लेकिन जब खून में शर्करा की या ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो फिर जो श्वेत रक्त कण होते हैं वो गड़बड़ा जाते हैं, वो उनका सुरक्षा तंत्र उतना बढ़िया से काम करना बंद कर देता है, क्योंकि खून में बढ़ी हुई शर्करा की मात्रा उन्हें बहुत परेशान करती है। अब क्या नुकसान होता है, एक तो आपका खून गाढ़ा होने का आपका हृदय जो खून पंप करता है आपके शरीर में, खून गाढ़ा हो गया तो क्या होता है कि ये खून जाता है जहाँ, वहाँ देर में पहुँचता है, देर में पहुँचेगा। अब भाई आपके जो जहाँ पे चोट लगी वहाँ पे देर में खून पहुँच रहा है अगर, तो जाहिर सी बात है कि वो देर में भरेगा। दूसरे प्रतिरक्षा तंत्र थोड़ा सा नुकसान होता है, तो जैसे आपके कहीं चोट लगी शरीर में, चलिए मान लेते हैं आपके हाथ में चोट लगी, हालांकि सबसे ज़्यादा जो खतरे में होते हैं वो पैर ही होते हैं आपके, यहाँ पे हम उदाहरण के लिए कह रहे हैं, चोट तो कहीं भी लग सकती है, हाथ में चोट लगी तो क्या होता है कि ये वहाँ की कभी कभी क्या होता है, नर्व तंत्र तंत्रिकाएं वहाँ की उसके आसपास की डैमेज हो जाती हैं, इन्हें क्षति पहुँचती है, और वो क्षति को पूरा होने में समय लगता है, तब तक वो नुकसान होता रहता है, और कई बार तो पता भी लगता। पैरों में तो इसी वजह से अल्सर हो जाता है लोगों के, ये पैर में चोट लगी पता ही नहीं लगा, क्योंकि वहां पे सुन हो गई, इतनी क्षति हुई उस सुन हो गई, सुन से आपके दिमाग तक संदेश ही नहीं पहुंचा, जब संदेश नहीं पहुंचा तो उसने फिर उसे सही भी नहीं किया, और सही नहीं किया तो आपका वो घाव फिर सड़ता जाएगा। बहुत खतरनाक होता है, मतलब ये कहने को हम एक वीडियो बना रहे हैं, मगर जैसे पैर है, पैर की में ये अंदर पैर की चलिए हड्डी है, आपको दिखाते हैं, और आपके यहाँ पर पैर में कहीं चोट लगी,
यहाँ पे चोट लगी आपको पता नहीं लगी, आपको पता भी लग गई तब भी चलना तो है, आप इलाज भी करवा रहे हैं चल भी रहे, लेकिन यहाँ से क्षति और यहाँ से इन्फेक्शन फैलते फैलते संक्रमण आपके हड्डी तक पहुँच गया, वो क्षतिग्रस्त ऊतकों का संक्रमण जहाँ पे बैक्टीरिया फिर जमा होने शुरू हो जाते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र तो आपका बढ़िया सा काम कर नहीं रहा, हड्डी पे असर, वहाँ के पूरे हिस्से पे असर, कई बार पैर काटने पड़ते हैं और कई बार जीवन भी खतरे में पड़ जाता है। जो मधुमेह के रोगी हैं उनके लिए हमारा सवाल ये था कि इनके घाव देर से क्यों भरते हैं, उसका कारण, उसके मैंने कारण आपको बता रहा हूँ। इसमें ये भी होता है डॉक्टर दवा देता है, जब आपका खून गाढ़ा हो जाता है तो डॉक्टर दवा देता है, आपके खून को थोड़ा पतला रखता है, वो उसमें भी नुकसान होता है, आपके चोट लगी खून पतला है तो काफी ज्यादा खून उस जगह से निकलता है, उससे भी क्षति हो जाती है, मतलब चोट लगना ही बड़ा उनके लिए नुकसानदायक हो जाता है जिनको मधुमेह होता है। एक चीज और मैं आपको बताऊं, मधुमेह चीनी ज्यादा खाने से नहीं होता, हाँ मधुमेह होने के बाद थोड़ी सी चीनी भी नुकसान करती है, तो अपने मन में धारणा ना पालेंगे मधुमेह चीनी ज्यादा खाने से होता है, हालांकि चीनी ज्यादा खाना आपके स्वास्थ्य के लिए वैसे भी अच्छा नहीं है, ना नमक ना चीनी, अगर आप ज्यादा खाते हैं तो आपके स्वास्थ्य के लिए वैसे भी अच्छा नहीं है, मगर ये धारणा ना पालें कि मधुमेह चीनी ज्यादा खाने से होता है। घाव ना भरने का मैंने आपको कारण बताया कि मधुमेह के रोगियों के घाव क्यों नहीं इतनी जल्दी भर पाते, हमारी यही कामना है कि हमारे दर्शकों को किसी ऐसे रोग से पीड़ित ना होना पड़े, और यदि पीड़ित हैं तो अपने खून में, आपको बता दूं आपकी आधी परेशानियां कम हो सकती हैं अगर आप डॉक्टर के अनुसार अपनी रक्त शर्करा पर नियंत्रण पा के रखें, उनके अनुसार दवाएं और उनके अनुसार जीवनचर्या को अपना कर, और आपका जीवन आप ही का है भाई, उसकी कीमत समझना, उसको बचाए रखने के लिए थोड़ा सा त्याग करना जरूरी है, वो आप जरूर करिएगा। हमारा चैनल भी देखते रहिए, नाम है जिज्ञासा, फिर मिलेंगे मित्रों, नमस्कार।